हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ पीआईबी एनालिसिस। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड गाइस इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क व्हिच इन शॉर्ट इज ईवीआईएन एंड आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ 2020। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो डू वॉच द कंप्लीट सेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन व्हिच इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। So guys, the question is, with respect to the electronic vaccine intelligence network, identify the incorrect statement. हमें incorrect statement identify करना है with respect to the EVIN. So let us first discuss about this electronic vaccine intelligence network. So guys, this is basically a made in India developed system that digitizes the vaccine stocks in the country. हमारे देश में vaccine का जो भी stock है, उसको ये digitalize करता है, यानी कि कितने stock किस time available है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड कराता है, ओके। एंड इट एम्स टू प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑन द वैक्सीन स्टॉक्स एंड फ्लोस एंड ऑल्सो द स्टोरेज टेम्परेचर्स अक्रॉस ऑल द कोल्ड चेन पॉइंट्स इन आवर कंट्री, ओके। एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हेल्थ मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। व्हाट इज द एम, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग दिस वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। बेसिकली इसका इतना ही काम है कि जो हमारा वैक्सीन स्टॉक है हमारे देश का, उसको डिजिटाइज करना और समय समय पे जानकारी देते रहना कि हमारे देश में कितना वैक्सीन स्टॉक अवेलेबल है और जो हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स है उनके स्टोरेज टेम्परेचर्स की जानकारी प्रोवाइड करना टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, राइट। एंड इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। एंड नाउ लेट अस डिस्कस व्हाई दिस वॉज इन द न्यूज। सो गाइज, दिस वॉज इन द न्यूज बिकॉज दिस सिस्टम हैज बीन यूज्ड विद द रिक्विजिट कस्टमाइजेशन ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक फॉर इंश्योरिंग कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द एसेंशियल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। बेसिकली जो कोविड 19 का पेंडेमिक है उस समय भी हमारी जो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हैं वो चलती रहे, उसका ध्यान रखते हुए इसको काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है ईवीआईएन को। एंड ऑल्सो दिस सिस्टम इज हेल्पिंग द स्टेट्स एंड यूटी गवर्नमेंट्स टू मॉनिटर द सप्लाई चेन ऑफ कोविड रिस्पॉन्स मटीरियल। कोविड को खत्म करने के लिए जो जो मटीरियल्स की जरूरत होती है उन सभी के सप्लाई चेन को मॉनिटर करने में भी ईवीआईएन ने काफी हेल्प करी है फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटी गवर्नमेंट्स, ओके। सो बेसिकली फॉर दीज टू पॉइंट्स दिस ईवीआईएन वाज इन द न्यूज। नंबर वन इज दैट द एसेंशियल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज की जो कंटिन्यूएशन है उसको इंश्योर करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। एंड नेक्स्ट इज दैट दिस हेल्प ऑल द स्टेट्स और यूटी गवर्नमेंट्स टू मॉनिटर द सप्लाई चेन ऑफ कोविड रिस्पॉन्स मटीरियल, ओके। And the guys, universal immunization program was launched in the year 1985 to prevent mortality and morbidity in children and pregnant women against the 12 vaccine preventable diseases. 12 vaccine preventable diseases को prevent करने के लिए और mortality और morbidity को prevent करने के लिए 1985 में universal immunization program को launch किया गया था। Before this, in the 1978 there was one immunization program which was known as Expanded Immunization Program. Yes, it was known as Expanded Immunization Program, which in short is EIP. And in 1985, it was modified as Universal Immunization Program till 2005. And after this, in 2014, Mission Indradhanush was launched. Mission Indradhanush was launched in the year 2014 to ensure 90% immunization across our country by the year 2020. 2020 तक 90% immunization हो जाना चाहिए पूरे देश में as per the aim of Mission Indradhanush which was launched in the year 2014. After this, in the year 2017, Intensified Mission Indradhanush was launched with an aim to provide 90% immunization in our country by the year 2018 till the month of December. By the month of December 2018, इंटेंसिफाइड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 90% इम्यूनाइजेशन हो जाना चाहिए हमारे देश में। एंड इसके बाद इंटेंसिफाइड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया गया ताकि जो भी बचे हुए हैं, मतलब जो इन 90% के बाद जो 10% लोग बच गए हैं उन तक रीच किया जा सके, टू रीच द अनरीच्ड पीपल दैट वर लेफ्ट इन द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। फॉर देम इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष प्रोग्राम 2.0 वाज लॉन्च। So this is all about the immunization program of our country. And now let's move on to the question. So the question is, we have to find the incorrect statement regarding EVIN. So statement number one is, it aims to provide real-time information on vaccine stock and flows. Yes, this is absolutely correct.
It digitizes the vaccine stocks in the country. Yes, this is also correct. It is implemented under the Indradhanush mission. No, guys, it is implemented under National Health Mission, which is under the Ministry of Health and Family Welfare. So this statement is incorrect. So Maharaj, correct answer hoga, that will be what? Option A. Option A, only three will be the correct answer. Okay, now let's move on to question number 2 and 3, which is about the draft defense production and export promotion policy. So let us first discuss about this draft. So recently, guys, Ministry of Defense has launched this draft defense production and export promotion policy, which is seen as a guiding document to provide a significant thrust to defense production capabilities. जो हमारी defense production capabilities है, उसको एक thrust provide कराने के लिए, उसको enhance करने के लिए इस document को एक guiding document की तरह देखा जा रहा है. And this was recently launched by Ministry of Defense, which is headed by Mr. Rajnath Singh and his Lok Sabha constituency is Lucknow in Uttar Pradesh. Okay. And now let us talk about some goals and objectives which were formulated under this draft. So number one is that we have to achieve a turnover of rupees 1,75,000 crore, including export of rupees 35,000 crore in aerospace and defense goods and service by the year 2025. This, guys, is very important. This can be asked in your exam. कि 2025 तक हमें 1,75,000 करोड़ रुपए टर्नओवर अचीव करना है इन द एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूडिंग रुपीज 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट. ऑलराइट, एंड वी हैव टू डेवलप अ डायनामिक रोबस्ट एंड कॉम्पिटेटिव डिफेंस इंडस्ट्री, ताकि जो हमारी एरोस्पेस और नेवल शिप बिल्डिंग है उसको एनहांस किया जा सके, जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं उसको कम किया जा सके और हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके. And to reduce dependence on imports and take forward Make in India initiatives and promote vocal for local as announced by our Prime Minister under the Atmanirbhar mission. And also to promote export of defense products and become part of the global defense value chains. And also to, guys, encourage R&D, rewards innovation and creates intellectual property ownership. And to promote a robust and self-defined, self-reliant defense industry. So guys, ye jo 1, 2, 3, 4 points hai, ये एग्जाम में अगर आप ही जाते हैं तो आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर वेरी जनरल पॉइंट्स. बिकॉज अगर कोई भी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी होगी तो ऑफ कोर्स उसका एक एम, एक ऑब्जेक्टिव ये जरूर होगा दैट वी हैव टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड वी हैव टू रिड्यूस आर इम्पोर्ट्स. तो दीज टू पॉइंट्स आर नॉट वर्थ ऑफ रिमेंबरिंग. ओके, एंड नेक्स्ट इज वी हैव टू डेवलप अ डायनेमिक रोबस्ट एंड कॉम्पिटेटिव डिफेंस इंडस्ट्री एंड वी हैव टू एनकरेज R&D, रिवॉर्ड्स इनोवेशन एंड क्रिएट्स इंडियन IP ओनरशिप. सो ऑल दीज आर वेरी जनरल पॉइंट्स. यू कैन logically tell that these points are absolutely correct with respect to goals and objectives of the export promotion policy. All right, so these four points you don't have to mug up, only you have to remember, you have to memorize this point in which we have to achieve a turnover of rupees 1,75,000 crore by the year 2025. These are very general points. Ye aap logically bhi answer mark kar sakte hain apna. Okay. And if you talk about the focus areas, guys, so number one is procurement reforms. जो हमारे procurement policies हैं, उसको हमें reform करने की ज़रूरत है. And a very important point in these reforms is that we have to set up a project management unit for the development and production of technologies involved. जो जो technologies हमारे defense sector में use की जाती हैं, उसकी development के लिए और उसकी production के लिए हमें एक project management unit setup करना होगा, ताकि जो हमारे procurement policies हैं, उसको reform किया जा सके. There will be indigenization and support that will be provided to MSMEs or startups in the defense sector, which is aimed at creating an ecosystem, ताकि हम जितने भी हमारे imported components हैं उनको indigenize करा जा सके. To indigenize the imported components, we have to support MSMEs and startups so that the imported components can be indigenized. And there is a target that we have to indigenize 5,000 such items by the year 2025. 5,000 ऐसे आइटम्स है जो कि इम्पोर्टेड कॉम्पोनेंट्स है, उनको हमें इंडिजनाइज करना है बाय द ईयर 2025. उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमें अपने देश में ही करनी है. ओके, एंड नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स एलोकेशन. अंडर दिस वी हैव द प्रोक्योरमेंट नीड्स टू बी डबल्ड टू 1,40,000 करोड़ बाय द ईयर 2025 टू एनहांस डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट. डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को अगर हम बढ़ावा देना चाहते हैं, देन वी हैव टू एनहांस अवर प्रोक्योरमेंट टू 1,40,000 करोड़ बाय द ईयर 2025. एंड गाइस, अदर देन दिस, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पे ध्यान देना है, FDI एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान देना है, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है और जो उनकी गवर्नेंस है उसको मजबूत करना है. नेक्स्ट इज क्वालिटी अश्योरेंस एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड फाइनली एक्सपोर्ट प्रमोशन. सो दीज आर सम फोकस एरियाज ऑफ दिस ड्राफ्ट.
And now, guys, let's move on to question number 2 and 3. Okay. So question number 2 is what? Recently, Ministry of Defence has formulated a draft Defence Production and Export Promotion Policy 2020. With respect to the goals and objectives, identify the correct statement. हमें correct statement find out करना है. So we have to achieve a turnover of ₹175,000 crores. Yes, this includes export of 35,000 crore. Okay, and export of ₹35,000 crore in aerospace and defence goods and services by the 2030. No, this is not by 2030. We have to achieve this by the year 2025. एंड प्रमोशन ऑफ इम्पोर्ट्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मैनुफैक्चरिंग इन इंडिया. ऑफकोर्स नॉट गाइस, हमें किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिसी में ये पॉइंट सही नहीं हो सकता दैट वी हैव टू प्रमोट द इम्पोर्ट्स. ओके, जब वी हैव टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स मोर एंड मोर ताकि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा सरप्लस में रहे. ओके, सो हमारे दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी वॉट? ऑप्शन सी, ओनली वन. And now question number 3 is, in the draft, indigenization and support to MSMEs is asserted. In the indigenization process, 5,000 items are to be indigenized by which year? 5,000 items ko indigenize karna hai, kaun se saal? Aur ye 5,000 items wo hain guys, jo aaj hum import kar rahe hain. These are the imported components that we have to indigenize by the year 2025. Option A, 2025 is the correct answer. And now let's move on to the next news of today, which is about the UN's policy brief on the pandemic's impact on education. So recently, UN's policy brief on pandemic's impact on education was released. According to this report, how many children may not return to school due to the pandemic? So guys, we all know that a pandemic is going on in our world. So ek UN ne policy brief nikala hai jisme ye bataya hai ki jo hamare ye COVID-19 pandemic hai iska education ke upar kya asar hoga. So is report mein ye bataya gaya hai ki kuch children hai, कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि स्कूल वापस नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. सो दीज आर सम की पॉइंट्स. इसमें कुछ ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एंड ओनली वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस रिपोर्ट इन द एग्जाम. ओके, एंड दैट इज दिस पॉइंट नंबर वन. सो पॉइंट नंबर वन सेज दैट 24 मिलियन चिल्ड्रन में नॉट रिटर्न टू स्कूल ड्यू टू इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ COVID-19. COVID-19 का जो पैंडेमिक है उसकी वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से 24 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे होंगे जो कि शायद स्कूल की तरफ वापस नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अदर थिंग्स. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन एजुकेशन फाइनेंस. सो गाइज, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट देयर इज एन इकोनॉमिक स्लो डाउन थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो बिकॉज ऑफ दैट एवरीवन्स लाइवलीहुड हैज बीन अफेक्टेड. सो इफ अ पर्सन्स लाइवलीहुड हैज बीन अफेक्टेड, सो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर to expend a lot on the education. Okay, बहुत सारा education पे खर्चा करना एक person के लिए काफी difficult हो गया है. So there will definitely be an effect on the education finance. Okay, this effect is huge in low income countries. This is but obvious that कोई भी pandemic या कोई भी endemic आता है, so the worst sufferers are the low income countries. And the next is, girl and young women are likely to be affected more as they are vulnerable to societal restrictions like that. If girl and young women are not going to school or colleges, they will be forced to marriage. Okay, इस तरीके की हमारी सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि अगर कोई यंग महिला है या कोई लड़की है वो घर पे बैठी है तो उसकी शादी करा देते हैं जल्द से जल्द. ओके, एंड नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ लर्निंग बाय 1/3. जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें लॉस हो जाएगा बाय द 1/3. ओके, 1/3 लॉस ऑफ लर्निंग का खतरा है बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस रिपोर्ट, यूएन रिपोर्ट ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग पैंडमिक. एंड गाइज, इस रिपोर्ट का कोई नाम नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट द ऑफिशियल नेम, इट्स जस्ट दैट यूएन पॉलिसी ब्रीफ ऑन द पैंडमिक्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन. ओके, सो नाउ गाइज, देयरफॉर द करेक्ट आंसर शुड बी वॉट? ऑप्शन बी, 24 मिलियन चिल्ड्रन मे नॉट रिटर्न टू स्कूल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ पैंडमिक COVID-19. एंड नाउ गाइज, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, which is headed by Narendra Singh Tomar. Guys, write down in comments the Lok Sabha constituency of Narendra Singh Tomar. So this ministry has launched a Sahakar Co-optive NCDC channel. What is the purpose? So recently, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare ne guys ek channel launch kiya hai, jiska naam hai Sahakar Co-optive NCDC channel. And of course, the name suggests this is an initiative of NCDC, which is the National Cooperative Development कॉरपोरेशन. यस, दिस इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसका ये इनिशिएटिव है सहकार कोऑपरेटिव चैनल, विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. एंड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड लॉन्चिंग ऑफ दिस चैनल इज दैट वी हैव टू एनकरेज
our youth and our farmers to learn about the cooperatives, to learn about the benefits of cooperative, how cooperative can enhance the production in the agriculture, how cooperatives can enhance the efficiency of the agriculture, right? And also to bring in more youths in the cooperative sector. So these are the objectives behind launching this program. These are the two objectives. And if you talk about the other key points, that there are various guidance videos that are also being launched regarding the formation of a cooperative, ki kis tarike se cooperative ko form kiya jata hai, kis tarike se registration uski ki jati hai, regarding the registration and formation of a cooperative. And this has been launched for 18 different states in regional and Hindi languages. And this guidance video will also strengthen and deepen the major initiatives of the government to promote and form 10,000 farmer producer organization. So these are some guidance video, and remember this, that the guidance videos have been launched for 18 different states in regional and Hindi languages as well. Okay, and now guys, finally let's talk about the role of cooperatives in the Indian agriculture. Jo hamare cooperatives hai, like NCDC a cooperative hai, NAFED a cooperative hai, ट्राइफेड कोऑपरेटिव है, तो ये सभी का क्या रोल होता है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में. सो नंबर वन इज दैट दे प्रोवाइड एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स टू फार्मर एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि इन लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा ना लेना पड़े फ्रॉम द जो वो ब्याज पे बहुत ज्यादा पैसे देने वाले लोग होते हैं, उनसे बचाया जा सके हमारे फार्मर्स को. दे प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक इनपुट्स टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, लाइक मशीनरी वगैरह प्रोवाइड कराना. Next, they help in overcoming the constraints of agricultural development, and these are some examples of cooperatives. Okay, now guys, let's move on to the question. I hope nothing is left. Yes. So the question is, what is the purpose of launching this channel? Forming new cooperatives at a large scale? No. Supporting farmers in the objective of doubling their income? No. Encouraging youth and farmers to learn about cooperatives? So option C, guys, is the correct answer to this question. Okay, so guys, I hope आपको ये question clear है. And that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. And for more sessions like this, do buy our paid courses for RBI Grade B, SEBI, NABARD and UGC NET. Thank you so much for watching. Aapko ye session kaisa laga? Please comment karke zarur bataye. Goodbye, take care and God bless.